नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल। लाहौर में कमांडर के घर पर हमला, वाहनों को लगाई आग। सड़कों पर रिहाई की मांग को लेकर जमकर किया समर्थकों ने प्रदर्शन। अमेरिका, लंदन और कनाडा में भी समर्थकों का रहा हंगामा। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए हुआ मतदान। 58,545 मतदाता केंद्रों पर कड़ी रही पुलिस की सुरक्षा। 13 मई को होगी वोटों की गिनती। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगी कांटे की टक्कर। राजस्थान के विख्यात नाथ द्वार मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के काफिलों पर पुष्प वर्षा कर जनता ने किया स्वागत। इस दौरान मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। पंजाब के जलंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान। लोकसभा सीट की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 1972 केंद्रों पर पुलिस का रहा सख्त पैरा। 19 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। गुजरात में दर्दनाक सड़क हादसा। गांधीनगर में लग्जरी बस की टक्कर से 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 की हालत गंभीर। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। मृतकों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी। अदालत ने 12 मई तक मांगी मामले की रिपोर्ट। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर कई दिनों से डटे हैं पहलवान। कर्ज के संकट की मार झेल रही एयरलाइन कंपनी गोफास्ट की याचिका स्वीकार। एनसीएलटी ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर लगाई रोक। फैसले से हजारों कर्मचारियों को मिलेगी राहत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बिना नंबर शेयर किए ट्विटर से कर पाएंगे ऑडियो और वीडियो कॉल। एलन मस्क ने किया ऐलान। बोले लेटेस्ट वर्जन में यूजर्स को थ्रेड में किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने की भी मिलेगी सुविधा। मणिपुरम में हिंसा के बीच फंसे पंजाबी छात्रों को सरकार लाएगी वापिस। सीएम भगवंत मान ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मान ने मणिपुरम में फंसे लोगों को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। पंजाब में 11 मई के बाद तापमान में होगी बढ़ोतरी। 40 से 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बरसात के कोई आसार नहीं। एक सप्ताह बाद पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से फिर मौसम लेगा करवट। मौका तूफान का भी पंजाब में दिखेगा असर। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।